जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको ग्रहों में शुक्र ग्रह से संबंधित बताने जा रहा हूँ, शुक्र ग्रह का संपूर्ण परिचय। शुक्र ग्रह का पर्यायवाची शब्द है शुक्र, काव्य, शीत, अक्ष, भृगुसुत, आस्फुजित, दानवेज्य, भृगु, उष्णा, भार्गव, भार्गवसुत, भार्गव सुनु, काण, कवि, दैत्य गुरु, रत्न, दैत्य ऋत्विक, पुंडरीक, दैत्याचार्य, ऋतु, अरुंधति, ये शुक्र ग्रह के प्रायवाची शब्द है। शुक्र ग्रह इसको और अपने क्या बोल सकते हैं, ये कुंडली के अंदर क्या क्या फलादेश दे सकता है, इनसे संबंधित आगे अपने आप चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह को मदन भी कहा गया है। मदन अर्थात काम का अधिपति, शुक्र काम का अधिपति भी है। ये दैत्यों का गुरु है। चित्र विचित्र वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। इसका वस्त्र दृढ़ पक्का मजबूत है। इसका रत्न मुक्त मुक्ता मोती है। इसकी ऋतु वसंत है। इसकी रुचि खट्टे पदार्थ पर है। इसकी अधिष्ठात्री देवी इंद्राणी है। इसकी दिशा पूर्व दक्षिण। यह स्त्री ग्रह है। ये जल का स्वामी है। इसकी जाति ब्राह्मण है। ये रजोगुणी है। यह सदैव सुख फल देता है। सदैव सुख सुख में आसक्त दर्शनीय शरीर वाला है। आंखें सुंदर, केस काले, वात प्रधान प्रकृति ऐसा भृगु का स्वरूप है। प्रकृति वीर्य है और वीर्य से बलवान है। सुखी सुंदर शरीर, सुंदर नेत्र, कंफवाद प्रकृति, मीठी वाणी, दृढ़ ग्रंथि, काले लहरीले केस, वीर्य से तेजस्वी, श्याम शरीर ऐसा स्वरूप शुक्र का है। यह सुंदर लंबे हाथ वाला, चेहरा मोटा और चौड़ा है। आराम से रहने वाला और मोटा होता है। चित्र विचित्र वस्त्र पहनने वाला होता है। आंखें बड़ी होती है। यह आग्नेय दिशा का स्वामी शुभ ग्रह है। इसकी देवता इंद्रियाणी है। यह ब्राह्मण वर्ण का स्त्रियों का स्वामी, यजुर्वेद का अधिपति, पितृलोक का दर्शक, स्त्री राशियों में अर्धरात्रि के समय तथा चतुर्थ स्थान में यह भृगु बलवान होता है। मीठी रुचि तथा फूलों के पौधों पर इसकी अधिकार है। इसका जल तत्व पर अधिकार है। इसका रंग चित कबरा है। रत्नों में हीरा, एक पक्ष का काल तथा कृष्णा नदी से गोदावरी तक का प्रदेश शुक्र से शुक्र के अधिकार में है। वक्र के साथ हो तो विजयी होता है। सप्तम स्थान में यह संकट उत्पन्न करता है। यह चंद्रमा तथा चंद्रमा द्वारा पराजित होता है। अपनी उच्च राशि में द्वेष कारण तथा नवांश कुंडली में स्वगृह में हो तो राशि के मध्य भाग में तृतीय चतुर्थ षष्टम व व्यय स्थान में संध्या समय युद्ध के समय चंद्रमा के साथ हो तो वक्री हो तो तथा सूर्य के आगे हो तो शुक्र शुभ ग्रह, शुक्र ग्रह शुभ फल देता है और बलवान होता है। यह षष्टम स्थान में विफल होता है। शुक्र के स्वामित्व में वेश्याओं के निवास स्थान अंतपुर, किकिट प्रदेश, 7 वर्ष की आयु, चांदी धातु तथा वेल के वेल में इनका समावेश होता है। इसकी देवी लक्ष्मी है। धातु वीर्य यह कारकत्व सप्तम स्थान का है। संयम स्थान सोने की जगह पर शुक्र का अधिकार है। ऋतु वसंत। शुक्र
शीतल और आर्द्र होने से वसंत ऋतु पर अधिकार रखता है। रुचि मधुर, पाराशर के मत के अनुसार भृगु की रुचि मधुर वस्तुओं पर रुचि अवलंब है। यह वर्ण कई एक ठीक नहीं प्राप्त होता है। अनुभव दृष्टि से यह वर्णन ठीक है। स्वभाव सौम्य, सप्तम स्थान तुला राशि का है। तुला राशि शांति का प्रतीक है। मिथुन में बुध, तुला में शुक्र तथा कुंभ में शनि नौकरी करवाते हैं। यह शूद्र वर्ण का स्वरूप है। कन्या में बुध, वृष में शुक्र तथा मकर में शनि व्यापार करवाते हैं। यह वैश्य वर्ण का स्वरूप है। इस तरह शुक्र के दो वर्ण कहे गए हैं। लोक पितृलोक का स्वामी है। स्त्री राशि में भी शुक्र बलवान होता है, अतः पुरुष को ठीक है। स्त्री की कुंडली में स्त्री राशि के शुक्र का फल अशुभ होता है। मध्य रात्रि में शुक्र बलवान ऐसा मान्यता है। यह इसलिए कि दाम्पत्य का रति क्रीड़ा में समय मध्य रात्रि है। फूलों की लताओं पर मोगरा जूई आदि सफेद फूलों पर शुक्र का स्वामित्व है। जलाशय शरीर में वीर्य है। इस तरह सृष्टि में जल सफेद रंग का है, इस पर शुक्र का स्वामित्व है। आयु 16 वर्ष की आयु में पुरुष में वीर्य उत्पन्न होता है, किंतु पूर्ण तरुण अवस्था पर भी शुक्र का अधिकार है। शुक्र की नजर तिरछी है। पुराणों में भृगु को आंख से अंध माना है। मंगल और गुरु वक्री हो और उसके पास जाकर शुक्र कांति युति की वह भेद युति करे तो वह बलवान होता है। इस शुक्र से वक्री मंगल और गुरु के असुफल कम होते हैं, किंतु वक्री बुध और शनि के साथ शुक्र की युक्ति हो तो शुक्र का बल कम होता है और इसके फल अशुभ होते हैं। देश सौराष्ट्र किंकर गुजरात प्रदेश पर शुक्र का अधिकार है, क्योंकि इसकी वृत्ति धनार्जन में अधिक होती है। धातु चांदी, चांदी सफेद है, इस पर शुक्र का अधिकार है। किरण, जब शुक्र सूर्य से दूर होता है, इसके किरण शांत होते हैं, तब यह शुभ फल देता है। यह स्थिति नीच राशि कन्या में होती है। भाग्य की कमी, शुक्र धनदाता ग्रह है, अतः भाग्य की कमी नहीं होती। शुक्र की शुभ स्थिति, शुक्र शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का स्वभाव शांत होता है, झगड़ालू नहीं होता है, फसाद नहीं करता है, अतः वे कानून का अवलंबन नहीं लेता है। यह आनंददायी होता है। चैनी हंसोड़ मजाकिया अच्छे कपड़े पहनने वाला तथा पीने और खाने पीने में रुचि रखने वाला प्रेम वश में फंसता है, प्रियाराधन करता है, संगीत आदि मनोरंजनों में अधिक प्रेम रखता है, विश्वास सहसा कर लेता है, परिश्रमी नहीं होता है, अविश्वासु भी नहीं होता है। अशुभ स्थिति, शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति झगड़ालू खर्चीला और स्त्री प्रेमी और अवैध संबंध जोड़ने वाला होता है, चंचल और अविश्वासु होता है, शराब में व्यसन में धन नष्ट करता है, इसकी मित्रता पर भरोसा नहीं हो सकता, अव्यवस्थित तथा धर्म में उदासीन होता है। कांतिमान कामेक्षा अधिक आकाशस्थ शुक्र सुंदर दृष्टिगोचर पड़ता है। सप्तम स्थान में हो तो कामेक्षा अधिक रहती है। धन स्थान में शुक्र हो तो व्यक्ति कवि हाथी की तरह मस्तानी चाल का धनवान सौम्य दृष्टि तथा मधुर भाषण करने वाला होता है। यदि शुक्र सप्तम स्थान में हो तो व्यक्ति बहुत केश वाला वीर्यवान तथा सुंदर शरीर होता है। शुक्र की बलवत्ता, शुक्र बलवान होने से मनुष्य का जीवन अच्छा व्यतीत होता है। यश संपत्ति संतति आदि की प्राप्ति होती है। एक से एक अधिक स्त्रियां होती है, किंतु व्यक्ति स्त्रियों की ओर विमुख होता है। तृतीय षष्टम अष्टम व व्यवस्थान
व्यय स्थान का शुक्र सुफल नहीं देता है। निर्बल शुक्र, शुक्र निर्बल हो तो परिस्थितियों से संबंध होता है, इस संबंध से लाभ भी होता है, प्रणाम समाज में मान हानि होती है। अर्थ, कपड़ा मणि रत्न अलंकार विवाह सुगंधित पदार्थ पुष्पहार युवती गोमय धन संचय विद्या सीप चांदी इन पर शुक्र का अधिकार है। पत्नी वाहन भूषण काम विषयों भोग सुख का विचार शुक्र से होता है। स्त्रियों के संग से उत्पन्न होने वाले प्रेम आदि रोग तथा प्रेमिकाओं से भय ये शुक्र का अधिकार है। संपत्ति सवारी वस्त्र भूषण निधि से रखे हुए द्रव्य नाचने गाने तथा बाजे का योग सुगंधित पुष्प रति संया और इससे संबंधित व्यापार मकान धनिक होता है। धनिक होना अर्थात वैभव कविता का सुख मंत्री होना सरस उक्ति विवाह का अन्य शुभ कर्म उत्सव आदि का विचार शुक्र से करना चाहिए। स्त्री काम सुख गीत शास्त्र यौवन आभरण रजत मोती ऐश्वर्य कविता तथा पारा आदि पर शुक्र का अधिकार है। विवाह के कार्य उपभोग के स्थान वाहन और वैश्य स्त्रियों के अव्ययों का विचार शुक्र से करना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि शुक्र प्रबल हो तो बालक प्रासिद्ध करने वाला धातु को भस्म बनाने वाला थोड़े ग्रंथ लिखने वाला तथा प्राकृतिक ग्रंथों का अभ्यास करने वाला कवि होता है। संगीत साहित्य नौकरी रस अद्भुत बातें काम विकार तरुणी स्त्री से क्रीड़ा विचित्र सुंदरता और कांति राजा को वश करना गरुड़ और इंद्रजाल जादूगरी हार स्पष्टता अणिमा आदि आठ सिद्धियां काव्य कला संभोग तथा स्त्री इन विषयों का विचार शुक्र से करना चाहिए। रोग से संबंधित पांडु रोग कंफ रोग वात रोग आंखों के रोग प्रमेह गुप्तेंद्रिय रोग मूत्र रोग मूत्र विकार काम सुख में बाधक रोग वीर्य स्राव वेश्यागमन से शरीर का तेजोहीन होना सूखा रोग योगनी यक्षी व पितृदेवताओं द्वारा कष्ट प्रिय मित्रों से संबंध का टूट जाना इनका विचार शुक्र से करना चाहिए। अन्य अन्य कार्य पुरुषों की जन्म कुंडली में पुरुष राशि में और स्त्री कुंडली में स्त्री राशि में शुक्र अशुभ फल देता है। लग्न का शुक्र शत्रु नाशक है। धन स्थान का शुक्र धन दाता है संपत्ति दाता है। तृतीय स्थान का शुक्र सुख दाता है। चतुर्थ का भृगु धन दाता है। पंचम भाव का शुक्र पुत्र संतान देता है। षष्ठम स्थान का शुक्र शत्रु वृद्धि कारक है। सप्तम स्थान का शुक्र शोक कारक है। अष्टम का शुक्र धन देता है। नवम स्थान का शुक्र विविध वस्त्रों का सुख देता है। दसम स्थान का शुक्र अशुभ फल देता है। लाभ स्थान का शुक्र धन संचय कराता है। व्यय स्थान का शुक्र धन प्राप्ति कराता है। आपको मैंने शुक्र ग्रह से संबंधित परिचय करवाया और इनसे संबंधित बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना और इस चैनल को इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले और जिसने पहले से कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती जय गणेश।